नमस्कार, मैं हूं गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं कांचा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रूपसागर में सड़क निर्माण करने के दौरान मजदूरों पर गांव वालों ने किया पथराव, काम छोड़कर भागे मजदूर। गांधी प्रतिमा के समक्ष जेएमएम ने मनाया गुरुजी शिबू सोरेन की 75वीं जन्मदिन, लोगों के बीच बांटे गए लड्डू। जेबीएम महानगर अध्यक्ष की ओर से केक काटकर मनाया गया बाबूलाल का 61वां जन्मदिन, किया लंबी उम्र की कामना। और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जोड़ने में विभाग के छूट रहे हैं पसीने, 15 दिनों से पानी सप्लाई है बंद। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के रूपसागर में चल रहे विकास के कामों से गांव वाले नाराज हैं। वहां काम करने वाले ठेकेदार और जेसीबी चालक के ऊपर गांव वालों के द्वारा पथराव भी किया गया। हम आपको बता दें कि काफी अरसे के बाद नगर निगम की ओर से गांव में पीसीसी और नाले का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को गांव वालों ने काम करने वाले जेसीबी चालक के ऊपर पत्थरबाजी किया। इस तरह की घटना से वहां काम करने वाले मजदूर, जेसीबी चालक, यहां तक कि ठेकेदार भी डर के साए में हैं। ठेकेदार अजीत राय ने बताया कि विकास के कामों को गांव वाले नहीं देखना चाहते हैं और आपसी विवाद के कारण विकास के कामों को किसी तरह रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस हालात में काम करना मुश्किल है। हमको नगर निगम से एक वहां पर विकास कार्य के लिए रोड नाला बनाने के लिए काम मिला है। जगह जगह पर कार्य मेरा चल रहा है। विभिन्न विभिन्न गलियों में कुछ कुछ गली में विवाद है जमाबंदी जमीन लेकर के, जहाँ पर कि कुछ लोग जो है सो ड्राइवर मेरे स्टाफ पर मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। वैसे जगह पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं और मेरा ड्राइवर मेरा स्टाफ बहुत डर गया है उन लोगों के रवैये से, कि जैसे ही काम चालू करते हैं तो कुछ लोग विवाद ये जमाबंदी का बात कहता है, तो कुछ लोग जो है सो काम करने के लिए कहता है। वैसे ऐसे स्थिति में कहीं कहीं मेरा नाले का काम रुका हुआ है। नगर निगम के कई मोहल्ले में करीब 15 दिनों से शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत सप्लाई की जाने वाली पानी पूरी तरह से बंद है। शहर के सत्संग चौक के पास पुल निर्माण कार्य के बाद से ही ये समस्या बनी हुई है। बताते चले कि नगर निगम के इंजीनियर, पीएचईडी के इंजीनियर भी काफी दिनों से पाइपलाइन को दुरुस्त करने में लगे हैं। शुक्रवार को भी काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के पास लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। देवघर में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का 61वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। देवघर के बैजू वाटिका में जेवीएम महानगर कमेटी के अध्यक्ष विनोद वर्मा के नेतृत्व में जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने केक काटा, साथ ही जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की तस्वीर को केक खिलाया। इसके बाद जेवीएम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर बाबूलाल मरांडी की जन्मदिन मनाई। वहीं जेवीएम महानगर अध्यक्ष विनोद वर्मा ने कहा कि उनकी लंबी उम्र के साथ 2019 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बने। आज हम लोगों ने पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का 61वां जन्मदिन मनाया है, जिसको हम लोगों ने संकल्प रूप दिया है। और हम लोगों ने यह संकल्प भी लिया है कि आने वाला जो 2019 का चुनाव होगा, लोकसभा का, विधानसभा, इसमें हम लोग बाबूलाल मरांडी को हाथों मजबूत करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का काम करेंगे। हम लोग माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन मनाए और बाबा ईश्वर से, महादेव से हम लोग कामना भी करते हैं, उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ताकि झारखंड का कल्याण हो सके, गरीब गुरुओं का कल्याण हो सके। बस आज इतना ही कार्यक्रम। आज हम लोग झारखंड विकास मोर्चा नगर कमेटी के द्वारा बाबूलाल मरांडी जी का 61वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं सपोर्ट समर्पण दिवस के रूप में। और हम नगर महाअध्यक्ष विनोद वर्मा जी पूरे कमेटी को बधाई देते हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग इस तरफ सरकार जन्म डेट मनाते रहे और हम लोग आगे चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के हित को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं, ताकि इस राज्य का भला। और झारखंड के रिशुम गुरु और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिन के मौके पर स्थानीय टावर चौक के समीप केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष नरसिंह मुर्मू, जेएमएम नेता सुरेश शाह सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। गुरु जी के जन्मदिन के मौके पर केक काटने के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा आम लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने बताया कि गुरु जी के जन्मदिन पर सदस्यता अभियान के तहत
एक लाख कार्यकर्ताओं को जेएमएम में जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं सुरेश शाह ने गुरुजी के लंबे उम्र की कामना करते हुए कहा कि इसी तरह गुरुजी के जन्मदिन को इसी तरह मनाते रहें। गुरुजी के आज जन्मदिन है 11 जनवरी और आज 75 वर्ष हो चुके हैं। आज उनके नाम से केक काटे, साथ साथ सदस्यता फॉर्म का तोहफा हम लोग 1.5 लाख तोहफा देवघर जिला में हम अपने कटेंगे जिला से। आज जो है माननीय दिशम गुरु शिवू सोरेन जी का 75वां जन्मदिन है। आज हम लोग सभी कार्यकर्ता देवघर जिला के मिल करके जो है उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मिला रहे हैं और हम लोग यह बाबा बैजनाथ से यह कामना करते हैं कि बाबा को इतनी लंबी उम्र दे कि झारखंड जब तक पूर्ण समृद्धि नहीं हो तब तक जो है उनका आशीर्वाद हम लोग पर हमेशा जो है बनी रहे। और जो है बाबा का जन्मदिन हम लोग मनाए जा रहे हैं, केक काट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368, 7903718368। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, हीरा, अनमोल रिश्तों के लिए www.zoriatas.in। Zoriatas। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर जिले के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारवा प्रखंड में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई। बीजेपी नेता संजयानंद झा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पूर्व सांसद सूरज मंडल सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद सूरज मंडल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी नेता संजयानंद झा ने उन्हें लक्ष्मी गणेश की स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी नेता सह पूर्व डिप्टी मेयर संजयानंद झा ने कहा कि 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गोड्डा में आगमन होगा। उनके आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगा व पार्टी संगठन में मजबूती आएगी। सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, उसी निमित्त यहाँ पर आज सूरज मंडल जी सभी ग्रामीणों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और 2019 का जो मिशन है कि मोदी वंस अगेन, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मजबूत सरकार पुनः देश में बने, उसी निमित्त यह एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। 19 आप सभी जानते हैं कि जनवरी 19 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी का प्रोग्राम गोड्डा में होने जा रहा है। वो गोड्डा लोकसभा के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से, दुमका लोकसभा के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से एवं राजमहल लोकसभा के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और अमित शाह जी के आने पर और भी एक नया जोश, नया उमंग मिलेगा और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारत एक
स्थानीय कृष्णापुरी में जेएमएम युवा मोर्चा की ओर से नेत्री निर्मला भारती के अगुवाई में धूमधाम से जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्म दिवस मनाया गया। मौके पर नेत्री निर्मला भारती विनोद के साथ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बात करने के दौरान नेत्री निर्मला भारती ने उनके लंबे उम्र की कामना करते हुए कहा कि जन्मदिन के मौके पर पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। आज पूरे इस राज्य के मसीहा जिनके बदौलत हमें ये झारखंड राज्य मिला, झारखंड के आंदोलनकारी गरीबों पिछड़ों दलितों आदिवासियों के मसीहा मान्य गुरुजी के 75वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हूँ, उनको लंबी उम्र मिले, हम लोग का भी उम्र लग जाए, स्वस्थ की कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें। और गुरुजी को इस राज्य के लोग आज पूरे राज्य में धूमधाम से उनके जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये राज्य उनके बदौलत मिला है और इस राज्य के मसीहा हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। देवघर जिला के जलमुंडी विधानसभा क्षेत्र स्थित सोना राइट थाड़ी के डिकोडी गांव में बीजेपी के द्वारा सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता बैठक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता संजयानंद झा, पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सूरज मंडल सहित कई वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। इस मौके पर बीजेपी के नेता सह पूर्व सांसद सूरज मंडल को ढिकोडी ग्रामीण द्वारा फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आने की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में चर्चा की गई। संजयानंद झा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आने से गोड्डा दुमका व राजमहल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगा। वहीं पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा कि आने वाले 2019 में भी नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि हम लोग जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनाए थे उसका मोदी जी और रघुवर दास जी के नेतृत्व में उसको हम लोग सफल बनाएंगे। बिहार में अब बाप बेटा का नहीं रहा, माँ बेटा का हो गया। दिल्ली में भी माँ बेटा का पार्टी है। और गठबंधन की बात बोलता है, मैंने पहले ही कहा है कि गठबंधन नहीं होगा, ये लठबंधन होगा। और देख लीजिएगा चुनाव में लाठी चलेगी। पूर्व सांसद श्री सूरज मंडल जी भारतीय जनता पार्टी में 2.5 महीने के आसपास पहले वो आ चुके हैं और उनका एक कार्यक्रम स्वागत समारोह यहाँ सोनाराय ठाड़ी के भिखोडी गांव में हुआ है। उसी निमित्त सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जुटे हुए थे और जनवरी 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी गोड्डा में आ रहे हैं। वो गोड्डा लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से, दुमका लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से और राजमहल लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से गोड्डा में 19 तारीख को मिलेंगे। उसी तैयारी निमित्त भी हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार यहाँ जुटे हुए थे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए कांचा न्यूज के साथ। नमस्कार। रूप सागर में सड़क निर्माण करने के दौरान मजदूरों पर गांव वालों ने किया पथराव, काम छोड़कर भागे मजदूर। गांधी प्रतिमा के समक्ष जेएमएम ने मनाया गुरुजी शिबू सोरेन की 75वीं जन्मदिन, लोगों के बीच बांटे गए लड्डू। जेबीएम महानगर अध्यक्ष की ओर से केक काटकर मनाया गया बाबूलाल का 61वां जन्मदिन, किया लंबी उम्र की कामना। और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जोड़ने में विभाग के छूट रहे हैं पसीने, 15 दिनों से पानी सप्लाई है बंद।